बड़ी भीड़ मसीह यीशु के साथ साथ चल रही थी। मसीह यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि स्वयं अपने जीवन को मुझसे अधिक महत्व देता है, मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे हो लेता है, वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। तुम्हें ऐसा कौन है जो भवन निर्माण करना चाहे और पहले बैठकर खर्च का अनुमान न करे कि उसके पास निर्माण काम पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि है भी या नहीं? अन्यथा यदि वो नींव डाल ले और काम पूरा न कर पाए तो देखने वालों के ठट्ठों का कारण बन जाएगा, देखो देखो इसने काम प्रारंभ तो कर दिया किंतु अब समाप्त नहीं कर पा रहा। या ऐसा कौन राजा होगा जो दूसरे पर आक्रमण करने के पहले ये विचार न करेगा कि वो अपने 10,000 सैनिकों के साथ अपने विरुद्ध 20,000 की सेना से टक्कर लेने में समर्थ है भी या नहीं? यदि नहीं तो जब शत्रु सेना दूर ही है, वो अपने दूतों को भेजकर उसके सामने शांति प्रस्ताव रखेगा। इसी प्रकार तुम में से कोई भी मेरा चेला नहीं हो सकता यदि वो अपना सब कुछ त्याग न कर दे।